मेरा नाम अंकित है, आप देख रहे हैं अंकित ई रिक्शा यूट्यूब चैनल। मेरे सामने देख रहे हैं महिंद्रा का ई रिक्शा है, इसके अंदर बैटरी ख़राब हो चुकी थी, जो लिथियम बैटरी आती है आपको पता ही होगा। इसके अंदर हमने डेड एसिड बैटरी डाले हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसके नीचे बैटरी है, चार पीस बैटरी डाले हैं, लेड एसिड बैटरी है, सारी पूरा डेड हो चुकी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका मीटर भी ख़राब हो चुका था, पीछे आप इसका कंट्रोलर देख रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल मीटर है। हाँ, यहाँ पे डिजिटल मीटर लगा चुके पहले हैं, मैनुअल मीटर आता था। नहीं, पहले भी डिजिटल मीटर है, इसके पीछे लगा हुआ है जो खराब हो चुका है। अच्छा, समझ रहे हैं, पहले डिजाइन वाला नहीं था, अभी डिजाइन और एलईडी लगा दिए हैं आप इसके। हाँ, एलईडी मीटर लगा, ठीक है, इसको चालू करके देखेंगे बाद में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे का कंट्रोलर जो था इसका खराब हो चुका है, यहाँ पे छोटा सा बैटरी रहता था, यहाँ पे कन्वर्टर रहता था इसका, वो भी हमने हटा दिया, छोटा सा कन्वर्टर लगा दिया है, यहीं पे कंट्रोलर लगा चुके हैं और चार्जिंग सॉकेट यहीं पे लगा दिया है, बाकी तो अब सबको मालूम ही होगा। वैसे ये एक्सटर्नल कंट्रोलर है जो कि ये कंपनी इसमें नहीं लगा के देती, आप अपना दिमाग लगा के इसके अंदर इसको लगाए हैं, यही है ना? कंपनी जो कंट्रोलर लगा के देती है बहुत ज्यादा ही महंगा आता है। अच्छा, ये अपने तरीके से आप लगाए हैं उतना। और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पहले था एक अलग तरीके का मीटर जो कि इस गाड़ी को देख के आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अब इसमें डिजिटल मीटर लगा दिया। ऑलरेडी पहले भी डिजिटल मीटर ही था, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का मीटर इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि पहले से और अच्छा लग रहा है। गाड़ी को पूरा मरम्मत करते करते कितना खर्चा गया था, सब कुछ बॉक्स वॉक्स सब शायद रिपेयर हुआ है ना, बॉक्स ये सब चेंज किया अपने तरीके से ताकि सबके सब बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल हो पाए। बाकी इसमें कितना खर्चा हो गया है इतना सब कुछ करते करते? खर्चा इसमें तो अभी लगभग बैटरी वगैरह का ही तो हम नहीं लाए, कस्टमर ही खुद लाया है। राउंड फिगर में एक प्राइस बताइए। राउंड फिगर लगभग इसमें 60,000 रुपए का खर्चा आ चुका है। 60,000 ना, अगर प्रॉपर आप नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्या और कैसे किए हैं ये भी बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। अच्छा, तो और भी गाड़ी आपको मिलेगी तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ये अंकित सर का, इनसे आप कांटेक्ट करके आप अपना गाड़ी को रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ एडवाइस चाहिए होगा, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपको ये जरूर सहयोग करेंगे किसी भी तरीके से आपको चाहिए, बाकी अंकित सर बताएंगे। बाकी अगर ई रिक्शा में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सी भी कंपनी का ई रिक्शा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर मेरे पास कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।